जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स 100 पर। लगभग हर रोज हम न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, समझेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों में, खासकर उन बच्चों के लिए जो लॉ के छात्र नहीं है, उनको बहुत दिक्कत आती है ये समझने में और हमेशा से कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आई होप आज की वीडियो के बाद आपको ये कंफ्यूजन दूर होगी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे की पॉइंट है, वो समझने की कोशिश करते हैं। बाकी उसकी जो नीटी ग्रीटेस है आगे देखेंगे। देखिए, बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है वो एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है, ठीक है जी, मे बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में बहुत बच्चों को या बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिल सकती है, बट इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, किस तरीके का ऑफेंस है, क्या उसकी ग्रेविटी है, क्या आपने बेल जो बॉन्ड की कंडीशंस है वो फुलफिल कर रहे हैं या आप नहीं, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको बेल मिलनी है या नहीं। तो बेल मिल सकती है, ऐसा नहीं है बेल नहीं मिल सकती। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि सेक्शन 2A सीआरपीसी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है कौन से बेलेबल ऑफेंस होंगे, कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं, एक क्लैरिटी दे रखा है, डिस्टिंक्शन दे रखा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेलेबल ऑफेंसेज वो ऑफेंसेज है जिनमें सजा का प्रावधान 3 साल तक रखा गया है, ठीक है जी, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जनरली वो हैं जिनमें सजा का प्रावधान 3 साल से ज्यादा का है। अब ये भी कोई फिक्स रूल नहीं है, कई बार आप देखेंगे कि सजा का प्रावधान 3 साल से कम है पर उनको भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में रखा गया है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो बेल देने की है, बेल कौन देता है, तो बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है और आपका कोर्ट से भी आप ये बेल ले सकते हैं। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में जो बेल है वो आपको कोर्ट ही देगी, पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं है। अब देखते हैं कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो जनरली लेस सीरियस इन नेचर या लेस ग्रेव इन नेचर कहे जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें जो बेल है वो पुलिस ऑफिसर भी दे सकते हैं, तो जनरली ये लेस ग्रेव इन नेचर कहे जाते हैं। Whereas in the case of non-bailable offences, जहां पर बेल सिर्फ कोर्ट ही दे सकती है, वहां पर वो offences generally grave in nature माने जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मर्डर, डाउरी डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर, voluntary causing grievous hurt, kidnapping, rape, जो भी ये offences हैं, जो serious नेचर के offences हैं, उनमें आपको बेल जो है वो कोर्ट ही दे सकता है। बट जो बेलेबल ऑफेंसेज लेस सीरियस ऑफ नेचर है उनमें बेल जो है वो आपको पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है, कोर्ट भी दे सकता है, दोनों उसमें ऑप्शन रहता है। राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉ, वेयरिंग अ गब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट्स, ब्राइबरी, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद इलेक्शंस, तो ये सारे के सारे बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। तो कैसा लगा सेशन प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।